हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा कब है। तो गुरु पूर्णिमा आपकी इस बार पड़ रही है 2 तारीख को, सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ होगी और 3 तारीख को 4:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी। तो याद रखें, 2 तारीख को गुरु पूर्णिमा इस बार पड़ रही है, 8:30 बजे सुबह से प्रारंभ हो रही है। अब जानते हैं कि आप अपने गुरु को क्या क्या अर्पित कर सकते हैं और कैसे अपने गुरु की कृपा पा सकते हैं। तो सुबह उठें, आप उठने के बाद स्नान ध्यान करें, कोई अच्छा माला ले लें गुरु के लिए अपने, और कंबल ले लें अगर आपके अच्छी खासी क्षमता है तो, चांदी या सोने की उनको कोई अंगूठी भी दान दे सकते हैं, कंबल ले लें नहीं तो, और मीठा ले लें। मीठा लेने के बाद फल ले लें, एक अच्छा इत्र ले लें, ये सब चीज़ें ले लें लेके। और ये ध्यान रखें कि पीले रंग के अगर ये सब हों तो अति उत्तम है, क्योंकि गुरु को पीला वस्त्र और ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। ये सब लेके चले जाएं। अपने गुरु को किसी ऊंची गद्दी पर बैठाएं, बैठाने के बाद उनका चरण स्पर्श करें, चरणों को अच्छे से पानी से धोएं, धोने के बाद फिर उनको माला वाला पहनाएं, पहनाने के बाद उनका आशीर्वाद लें। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप गुरु मंत्र भी ले सकते हैं आज के दिन। आज के दिन आपका गुरु मंत्र बहुत अच्छा और बहुत सटीक चलेगा आज के दिन अगर आपको गुरु देंगे। आप जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे आपके गुरु रुष्ट हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज़, कभी भी गुरु के आसन पर या गुरु की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरी गलती कि गुरु के सामने किसी भी चीज़ को पकड़ कर खड़ा नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके गुरु आपके सामने खड़े हैं और आपके बगल में कोई दीवार है या कोई बांस है, तो उसके सामने वो चीज़ आप पकड़ के कभी खड़े ना होए। कभी भी आप गुरु के आसन पे ना बैठें, कभी भी गुरु के सामने कोई चीज़ पकड़ के ना खड़े रहें, और कभी भी गुरु की तरफ पैर अपना ना करें, ये बात ध्यान रखें, और गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करें। बाकी आप जो है, गुरु आपके ऊपर खुश है तो आपकी हर चीज़ें पूर्ण होंगी, कोई भी साधना करेंगे गारंटेड सफल होगी, और गुरु कृपा आपके ऊपर रहेगी तो आप हर क्षेत्र में तरक्की को प्राप्त करेंगे। और हाँ साधकों, ये नहीं कि अपने गुरु का सम्मान सिर्फ गुरु पूर्णिमा पे ही आपको करना है, अपने गुरु का सम्मान आपको हमेशा करना है, जीवन पर्यंत करना है। क्योंकि आप जानते हैं, एक कहावत है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब यही है कि गुरु आपका जो है भगवान से भी बड़ा है, उसका दर्जा भगवान से भी बड़ा है। तो अपने गुरु का हमेशा सम्मान करें, उनकी हमेशा कृपा दृष्टि अपने ऊपर बना कर रखें। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी।